लव आजकल 2 के सेट पर नाचे कार्तिक अपने डायरेक्टर इम्तियाज के साथ। नई नजर आई सारा अली खान। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान लव आजकल के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग जैसे कि चल ही रही है और इम्तियाज अली इसका डायरेक्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सारा ने दिल्ली शेड्यूल की शूटिंग खत्म की है। कार्तिक ने 3 अप्रैल को दिल्ली में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट की। इस मौके पर कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर इम्तियाज अली डांस करते हुए नजर आए। फिल्म की टीम ने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था और इस दौरान हनी सिंह का गाना मनाली ट्रांस पर कार्तिक और इम्तियाज झूमते हुए नजर आए और दोनों ने अपने बेहतरीन डांस मूव्स भी दिखाए, लेकिन मौके पर सारा अली खान नहीं दिखे। इस वीडियो को कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिसे अभी तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस कार्तिक के डांस को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। हाल ही में सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना और कार्तिक का एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा था, और मेरे लिए दिल्ली का शेड्यूल खत्म हो गया। बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा को ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा था। दरअसल सारा और कार्तिक बाइक पर दिल्ली की सैर कर रहे थे और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यूजर्स ने सारा को बिना हेलमेट के बाइक पर बैठने पर ट्रोल किया था। ये फिल्म 2009 में आई लव आजकल की सीक्वल है। इसमें सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण ने मेन रोल निभाया था। फिल्म में कार्तिक और सारा के अलावा रणदीप हुड्डा भी अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल वैलेंटाइंस डे पर रिलीज होगी और तब तक के लिए हमें इंतजार भी करना पड़ेगा इन दोनों को एक साथ देखने का।